फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यमी टमी। मैं शिप्रा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक स्नैक की रेसिपी। जनरली हमें बहुत पसंद आता है ये खस्ता मठरी जो हम खाते हैं बाजार से, तो हमें घर में हमेशा लगता है कि हम ऐसे कैसे बना पाएंगे, कुछ ना कुछ हमसे मिस हो जाता है। तो मैं आपके साथ एग्जैक्ट परफेक्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, आप इसे पूरा ध्यान से देखिए और इसी तरीके से बनाइए तो आपकी भी मठरी खस्ता मठरी बनेगी एकदम बाजार के तरीके से। चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक जरूरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो उसे देखने के बाद लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल दबाकर ऑल सेलेक्ट करिए ताकि आपको सब नोटिफिकेशंस मिले। अब आप चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से आप वीडियोस के ऑप्शन में जाके जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनमें से जो आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑप्शन में आपको वीडियोस ग्रुप में मिल जाएंगे तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वीडियो देखिए। तो खस्ता मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, तो मैंने लिया है, अभी मैं आपको कटोरी दिखाती हूँ, उस कटोरी से 4 कटोरी मैदा। और इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे सॉल्ट, तो मैंने लिया है पिंक सॉल्ट यानी सेंधा नमक, इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है। साथ ही में ये मैंने लिया है अजवाइन, तो अजवाइन को थोड़ी सी हाथों से मसलते हुए इस तरीके से आप ऐड करिए। अब हमें इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर देना है। तो ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब बस हमें थोड़ा सा गड्ढा सा बना लेना है बीच में। और मैंने आपको कहा था मैं कटोरी दिखाऊंगी, तो ये वही कटोरी है जिससे मैंने 4 कटोरी मैदा लिया था। इससे मैंने 1 कटोरी लिया है रिफाइंड ऑयल और पहले हम आधी कटोरी डालेंगे, उसे अच्छे से आटे के साथ हम मिक्स करेंगे। आज जो मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ इस मठरी की, वो एकदम परफेक्ट मठरी बनेगी जैसी हमें हलवाइयों से मिलती है। तो ये अच्छे से अब मिक्स हो चुका है, अब हम बचा हुआ रिफाइंड ऑयल भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये 1/2 कटोरी बाकी मैंने ऑयल ऐड कर लिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने इसे थोड़े बड़े से परात में ट्रांसफर कर लिया है ताकि इसे अच्छे से हम मसल सके, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो आप इसे अच्छे से दोनों हाथों की हेल्प से मसलते हुए एकदम क्रम जैसा कर लीजिए, फिर मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको बताऊंगी कैसी रखनी है। तो आप देख सकते हैं ये सारा कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है, और इस तरीके से जब मैं इस बंद कर रही हूँ तो ये पूरी गांठ की तरीके से यानी एक बॉल की तरीके से बंद रहे, और फोड़ने पे थोड़ा सा हमें इसे ताकत से फोड़ना पड़ रहा है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए मैदा। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और मैं बताऊंगी आपको आटा किस तरीके से तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने सेम कटोरी ली है और अभी मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, पहले मैं आधी कटोरी ऐड करूंगी। तो ये देखिए जितना पानी लिया था उससे आटा थोड़ा सा क्रम जैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, मगर अभी इसे प्रॉपर गूंदने के लिए हमें बचा हुआ 1/2 कटोरी पानी भी इसमें ऐड करना है, और अब अच्छे से आटे को गूंद कर तैयार कर लेंगे। बस इसी तरीके से स्लोली धीरे धीरे ऐड करते हुए पूरी 1 कटोरी पानी यानी 4 कटोरी मैदा, 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल और 1 कटोरी पानी। और अब मुझे नहीं लगता इसमें हमें और पानी ऐड करना है क्योंकि हमें एक सख्त यानी थोड़ा टाइट डो बनाना है। तो ये देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है, हमें इसे बहुत ज्यादा चिकना नहीं करना क्योंकि हमें इसकी खस्ता मठरी बनानी है। तो मैं आपको एक स्टेप बताऊंगी, इस तरीके से आप इसे तोड़िए और जोड़िए, तोड़िए और जोड़िए, इस तरीके से तोड़ना और जोड़ना है आपको लगभग 7 से 8 बार, ताकि इसमें जो है बहुत अच्छे से लेयर्स सी आए और ये चिकनी मठरी ना बने। बस आटा हमारा हो गया है तैयार, इसे इकट्ठा करके हमें बराबर टुकड़ों में बांटना है। तो आटा मैंने बोल में ले लिया है, और एक और फायदा है हमें तोड़ने और जोड़ने से, उससे जब भी आपने देखा होगा मठरी हम बनाते हैं तो कई बार वो फूल जाती है, तो इस स्टेप से वो फूलती नहीं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, बस इस तरीके से हम इसके साइड्स को चिकना करेंगे और हल्का सा हम इसे प्रेस करेंगे, और ना ही इसमें शेप आपको ध्यान देना है क्योंकि आप अगर एकदम गोल गोल चिकनी चिकनी मठरी बनाएंगे तो वो बाजार जैसी मठरी का मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने किया, और ये है मेरे पास कुछ खड़ी काली मिर्च, तो हम बाजार का ही टेस्ट देने के लिए इसमें 1 या 2 अपने पसंद से काली मिर्चें लगा लेंगे।
और इस तरीके से हम अपनी मठरी बना बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सारी मठरी मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब हम देखेंगे कि हमें तेल कितना गर्म चाहिए। तो आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान दीजिए कि आपको कढ़ाई जो लेनी है वो थोड़े से मोटे तले की लेनी है, क्योंकि हमें एकदम लो फ्लेम के ऊपर से तलना है। पहले मैं थोड़ा सा आटा डालूंगी और अब आप देखिए जब उसके किनारों में छोटे छोटे बुलबुले आप देखिए उसको ऊपर उठाने लगे, बुलबुले उठने लग गए, तो बस हमारा तेल एकदम मीडियम हॉट है। हमें इसी तेल में अपनी मठरियों को धीरे धीरे ऐड करना है और हमें मठरियां हम ऐड करते जाएंगे और फ्लेम को हमें रखना है लो पे, क्योंकि हमें अपनी मठरियों को अंदर से पकाना है। बहुत ज्यादा हमें खस्ता चाहिए तो उसके लिए ये जरूरी है। एक और बात का ध्यान रखें कि जब भी आप मठरियां ऐड करें तो एक बार में आप 10 या 12 ही ऐड करें, क्योंकि अभी ये तेल में धीरे धीरे अपने साइज से डबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बुलबुले उठ रहे हैं इसके चारों तरफ, मगर हमें अभी इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। एकदम इसे धीरे धीरे हम पकने देंगे ताकि ये थोड़ी सी ऊपर आए और साइज में बड़ी हो जाए, तो अभी टच नहीं करेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है और मैंने इसको फ्लेम को अभी जस्ट लो से मीडियम की तरफ कर दिया है, ताकि अंदर से तो ये पक के साइज में अब डबल हो चुका है, बाहर से भी ये थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। बहुत केयरफुली हम अब इसे धीरे धीरे पलट लेंगे। तो इस तरीके से आप देखिए हल्का सा इसमें गोल्डन सा मार्क आना शुरू हो चुका है। तो वापस कढ़ाई की दीवार से यानी सरफेस से इसे सटाते हुए आराम से पलटिए। बहुत सॉफ्ट है अभी, बस मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब हमें और 10 मिनट का वेट करना है, तो 10 मिनट लो फ्लेम पे, 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे, और आप कोशिश करिए कि ये पूरा ऑयल से कवर्ड हो ताकि ये हर तरफ से बराबर हो। तो ये देखिए 10 मिनट के अंदर इसने एकदम कलर चेंज कर लिया है और ये बहुत ही गर्म है, तो आप इसको जब तक निकालेंगे तब तक ये ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी। तो फटाफट आप इस तरीके की एक जाली पे इसको निकाल लीजिए और इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल हम ड्रेन कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी मठरियां तल कर तैयार कर लेंगे। कितने खस्ता बने हैं हमारी मठरी, तो इस तरीके से आप इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल छान करके निकाल लीजिए। तो ये देखिए सारी मठरी मैंने तल कर तैयार कर ली है और बस अभी से रूम टेम्परेचर पे मैं ठंडा कर रही हूँ। ये देखिए आप इसका कितना खस्ता है, ये इसकी आवाज से ही पहचान सकते हैं। और अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप ये देखिए कितने इसमें लेयर्स हैं, कितना खस्ता बनाएगी। अब ये ठंडा हो जाता है तब आप इसको देखिए, ये और ज्यादा खस्ता हो जाएगा। आप चाहें तो आप इसे आराम से एयर टाइट जार में रख करके लगभग 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए ये टेस्टी स्नैक। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी खस्ता मठरी की रेसिपी। बनाइए आप ये मठरी अपने घर में और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करिए टी टाइम पे। तब तक के लिए बाय बाय।